यूपी का सबसे दबंग जिला कौन सा है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हमने वह सभी जिलों का नाम बताया है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला जानने से पहले हमें यह समझना बेहद ही जरूरी है कि दबंग कहने का मतलब क्या होता है, दबंग किसे कहते हैं। तो दबंग का अर्थ होता है दूसरों पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन करके हुकूमत चलाना। सीधे शब्दों में समझे तो सब पर हुकूमत चलाने वाले व्यक्ति को दबंग कहते हैं। अब आपने दबंग का मतलब समझ लिया होगा, तो आइए जान ही लेते हैं कि यूपी का सबसे दबंग जिला कौन सा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखा जाए उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला अपने आप में दबंगई रखता है, पर ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला सीतापुर है। यदि आप अभी भी सीतापुर जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े दबंग है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से सबसे दबंग जिला सीतापुर को कहा गया है, जहां अभी भी आपको बड़े बड़े बाहुबली लोग देखने को मिल जाएंगे। सीतापुर में काफी अशांति का वातावरण बना रहता है, क्योंकि यहां बहुत सारे दबंग लोग हैं जो एक दूसरे पर अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। सीतापुर छोड़कर उत्तर प्रदेश में कुछ और भी जिले हैं जो दबंग के मामले में काफी आगे हैं, जिनमें लखनऊ, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज। दोस्तों, इन सब के अलावा भी उत्तर प्रदेश का दबंग जिला बहुत सा है। अगर आपके नजर में कौन सा दबंग जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।